आप ये तो जानते ही हैं कि भारत एक शाकाहारी देश है, लेकिन फिर भी यहाँ मीट खाने वाले लोगों की कमी नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नॉनवेज नहीं खाना चाहते हैं, लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नॉनवेज खाना चाहते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से खा नहीं पाते हैं। तो ऐसे ही लोगों के लिए एक शख्स ने शुद्ध शाकाहारी मीट तैयार कर दिया है, जो खाने में स्वादिष्ट भी होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि शाकाहारी और वो भी नॉनवेज, ऐसे कैसे हो सकता है? तो आइए जानते हैं क्या है ये पूरी कहानी। सफलता की कहानी में आज हम ऐसे स्टार्टअप की बात करेंगे जो पौधों से चिकन बनाकर बेचता है। बेंगलुरु में स्थित है ये कंपनी, जो पौधों पर आधारित शाकाहारी मीट बनाकर लोगों को उपलब्ध कराती है। इस स्टार्टअप का नाम शाकाहैरी रखा गया है। इसकी खासियत ये है कि इसे कोई भी शख्स खा सकता है। इसमें मीट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया गया है और ना ही ये किसी तरह से आपकी हेल्थ को कोई नुकसान पहुंचाएगा। इसकी टैगलाइन है 0% मीट 100% यम। साल 2020 में लिबरेट फ्रूट्स प्राइवेट लिमिटेड ने बेंगलुरु में इसे लॉन्च किया था। ये भारत देश का पहला स्टार्टअप है जो पौधों से मीट तैयार करता है। आनंद नागराजन इसके को फाउंडर और CEO है। इसके अलावा संदीप देवगन, अनूप हरिदासन, हेमलता श्रीनिवासन, रूथ रेनिता भी इसके को फाउंडर्स हैं। इसी के साथ ही इस प्रोडक्ट के स्वाद को लजीज बनाने का काम जो करते हैं, उनमें देश के नामचीन शेफ मनु चंद्रा शामिल हैं। मौजूदा वक्त में शाकाहैरी देश के 30,000 से ज्यादा कस्टमर को अपने प्रोडक्ट बेच रहा है। ये स्टार्टअप अपने प्रोडक्ट को स्विगी, स्ट्रामास, जोमेटो, बिग बास्केट और जेपेटो के जरिए लोगों तक पहुंचाता है। और ऑफलाइन मार्केटिंग के लिए शाकाहारी ने मेट्रो और नेचर बास्केट जैसे सुपरमार्केट्स के साथ पार्टनरशिप की है। साल 2022 जुलाई में $2 मिलियन की फंडिंग मिली थी। अक्टूबर 2022 में इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी ने भी शाकाहैरी में निवेश किया था और वो इसके ब्रांड एम्बेसडर भी बने हैं। शाकाहैरी का टारगेट है कि वो अगले 5 साल में देश के कई शहरों में अपने प्रोडक्ट को पहुंचाने की कोशिश करेगी। विदेश में भी इस वक्त लोग विगन बन रहे हैं और उन लोगों के लिए भी शाकाहारी प्रोडक्ट एक बेहतर विकल्प बन सकता है। तो भारत जैसे देश में इस तरह के स्टार्टअप से उन लोगों को काफी मदद मिलेगी जो शाकाहारी बनने की सोच रहे हैं। आनंद नागराजन और उनके साथियों की ये एक अच्छी पहल है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।